आज हम बनाएंगे मटर पनीर। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल हलवाई जैसी ये बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे देख सकते हैं, लग रही है ना बिल्कुल शादी और पार्टियों वाली मटर पनीर। और जो रेस्टोरेंट में मिलती है बस वैसे ही गर्मा गर्म मटर पनीर के साथ अगर कुलचे मिल जाए या फ्राइड चावल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, जो बिगनर्स है उसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, तो चैनल पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। मैंने यहाँ लगभग हाफ के जी पनीर लिया है, ये क्यूब्स में पनीर है, इसे हमने ले लिया है। अगर फ्रोज़न पनीर ले रहे हैं तो आप गर्म पानी में उसे अच्छी तरह से डाल दें, तो वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब पानी अच्छी तरह से निकल जाए तभी उसको यूज़ में करें। अब यहाँ पर हमने एक छोटी चम्मच यहाँ पे नमक डाला है, और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर। तो ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इसे हम पहले मैरिनेट कर रहेंगे, और साथ में एक चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं बेसन, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और साथ में यहाँ पर दो चम्मच दही ले लेते हैं। अगर आप दही नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, बेसन के साथ भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑयल आप डाल दें। लेकिन यहाँ पर हमने पनीर दही लिया है तो तेल डालने की जरूरत नहीं, बस इसे फटाफट मिक्स करें। आप चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे फटाफट इसे बना भी सकते हैं। तो मैं इसे मैरिनेशन पे नहीं रखूँगी, फटाफट इसे हम मैम बनाऊँगी। तो देखिए मिक्स हो गया है। हमने यहाँ एक नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रख दिया है, और सारे पनीर को हम डाल देंगे। नॉनस्टिक कढ़ाई लेने का फ़ायदा यही कि एक साथ पनीर अच्छे से यहाँ पे फ्राई हमारे हो जाएंगे। अगर आपके पास जो आयरन की कढ़ाई है तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते हुए उसे अच्छे से फ्राई करके निकालें, तो इतने ही तेल में सारे पनीर अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये जो मैरिनेशन है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। जब ये पनीर फ्राई होके निकलेंगे ना तब देखना। और ये देखिए, इसे मैं पलटती हूँ, कितना खूबसूरत कलर आया है। पनीर को इसी तरह से हम इस तरह से उलटते पुलटते इस तरह से फ्राई कर लेंगे, और ज़्यादा हम फ्राई इसे नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएंगे। हमें पनीर को सॉफ्ट चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, पनीर मटर पनीर बना रहे तो सब्जियों को भूनने समय पनीर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। अगर इस तरह से मैरिनेशन करके बनाएंगे ना तो पनीर कभी भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल अपना शेप लिए रहेंगे। और ये भून कर तो तैयार हो गए, चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये एकदम पनीर टिक्के के जैसा टेस्ट देते हैं, और आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में। सारे पनीर को निकाल लिया, थोड़ा सा तेल और हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम शिमला मिर्च ले रहे हैं थोड़ी सी। आप शिमला मिर्च स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ, तो इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर हम लेंगे एक कप मटर। जी हाँ, अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये फ्रेश मटर है, सर्दियों का समय है तो फ्रेश मटर हमने लिया है, इसे भी इसके साथ भुने। अगर सिर्फ मटर आप भूनते हो ना तेल में तो उड़ उड़ के बाहर निकल आते हैं हमारे मुँह पर। तो इस तरह से शिमला मिर्च के साथ इसे हल्का सा यहाँ पर रोस्ट कर लें, नहीं तो नहीं खाना चाहता शिमला मिर्च तो इसे ढक कर अच्छे से भून लें। भूनने का रीज़न ये है दोस्तों, अगर बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरह से मटर को फ्राई करके बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए, हमने इसे ज़्यादा नहीं भुना, कुछ सेकंड के लिए भुना। मटर और शिमला मिर्च को हमने बाहर निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल हमने और डाल दिया है, और यहाँ पर हम दो बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, इसे हम डाल देते हैं। प्याज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर नहीं डालेंगे तो ग्रेवी कैसे बनेंगे। इसे भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर इसमें कलर आ गया है, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं दो टमाटर, तो दो मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए। जब भी आप टमाटर यूज़ करें तो देसी वाले जो टमाटर होते हैं ना वो ना यूज़ करें, खट्टापन आ जाता है मटर पनीर में और बहुत ही बेकार बनता है। तो जो लंबे वाले साइज़ के होते हैं ना वो लें। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा गल जाए। और मैंने यहाँ इस प्याज को रफली काटा है, इसे बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, टमाटर भी हल्के से भुन चुके हैं और हल्के से गल चुके हैं,
तो बस गैस का फ्लेम यहाँ पर हम ऑफ करेंगे और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसे हमें ग्राइंड करना है दोस्तों, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जब ये ठंडे हो जाए तभी इसे हमें ग्राइंड करना है। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल ऑल डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं जीरा। जी हाँ, अगर आपके पास साह जीरा है तो बहुत ही अच्छा है। साथ में 4 से 5 हमने लौंग ली है, 2 इलायची ली है, उसे अच्छे से खोल लिया है, थोड़ी सी दालचीनी ले ली है, खड़े गरम मसाले डालने हैं और इसे अच्छे से चटकने देते हैं। अच्छी तरह से सारे गरम मसाले चटक गए हैं, जीरे भी चटक गए हैं यहाँ पे। अब इसमें हम कुछ क्वांटिटी में हमने काजू लिया है। जी हाँ, आप क्वांटिटी की जो काजू की क्वांटिटी है उसे घटा और बढ़ा सकते हैं। इसमें काजू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। घर में कोई गेस्ट आने वाले हों या आप पिकनिक पे जा रहे हों तो आप इस तरह से काजू डाल के बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे गेस्ट भी इम्प्रेस होते हैं। बहुत ही सही तरीके से हमारी मटर पनीर ये बनकर तैयार होगी। साथ में जो हमने ग्राइंड किया था ना प्याज टमाटर को, उसे भी हमने यहाँ पर डाल देना है। टमाटर अगर अच्छे पके होते हैं ना लाल, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है मटर पनीर में दोस्तों। अब इसमें हमने 2 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, साथ में कुछ हम ड्राई पाउडर ले लेते हैं, साथ में हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है और साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, चम्मच का साइज़ आप देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं मिर्च, तो जो नॉर्मल मिर्च होती है ना वो हमने यहाँ पर डाला है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी पाउडर जाएगी तभी इसका कलर बहुत ही निखर के आएगा। टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिलकर बहुत ही अच्छा कलर ला देता है मटर पनीर में। तो देखिए, इन मसालों को हम यहाँ पे मिक्स करने देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने हाई रखा है। इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और ये देखिए हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच करीब यहाँ पर लाल कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप घटा बढ़ा सकते हो, तो इसमें लगभग 1 चम्मच डाल दें अगर अच्छा कलर चाहते हैं। साथ में यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्रेश क्रीम। जी हाँ, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो डालें, नहीं है तो आप घर की मलाई डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर घर की मलाई डाल सकती हूँ, तो घर की मलाई 3 से 4 दिन की जो मलाई होती है ना आप उसे डाल सकते हो। ज़्यादा पुरानी मलाई डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर फ्रेश मलाई हमने डाला है भर कर मलाई। साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक मसाले के लिए, क्योंकि पनीर में तो हमने डाला ही था ना नमक, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 1 छोटा चम्मच यहाँ पर नमक डाल दें और इसे फिर से मिक्स करके गैस का फ्लेम यहाँ पर कर देते हैं मीडियम और इसे ढक कर अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक हम यहाँ पर कुक करेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है। जो हमने मलाई डाली थी ना उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बहुत लोग बोलेंगे हम अगर मलाई नहीं है क्रीम नहीं है तो क्या करें, तो आप इसकी जगह पे बटर डाल सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। मसाले अच्छे से भूनेंगे तो अच्छे से बनेंगे। फिर से इसे हम ढकते हैं और फिर से इसे तेल छोड़ने तक फिर से कुक करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मसाले हमारे भुन रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी सी बता रही हूँ ताकि आपके भी मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो 2-2 मिनट का गैप करते हुए इसे हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम सारे जो हमने फ्राई किए थे सब्जी डाल लेते हैं, मटर, शिमला मिर्च, पनीर, सभी को हमने यहाँ पर डाल देना है। इसे मिक्स कर दें ताकि सब्जियों में भी तो मसालों का फ्लेवर जाए। ये देखिए गैस का फ्लेम अभी भी हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही हम सब्जियों को यहाँ पर फिर से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि पनीर में सारे मसाले अच्छे से इंटैक्ट हो जाए, थोड़े से चले जाए, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला था ना तो अच्छे से इसमें जाए। फिर से ढककर मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर ये तेल छोड़ चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे अभी हम भून ही रहे हैं और अब लग रहा है कि हमारा अच्छे से पनीर इस मसाले को सोख कर लिया और मसाले भी अच्छी तरह से
हमारे कुक हो गए हैं। और इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हो और गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो नान के साथ। लेकिन अगर आप चावल के साथ सर्व करना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला कर ले तो ग्रेवी वाली पनीर बन जाएगी हमारी। लास्ट नॉट द लिस्ट, इसमें हम थोड़े से डाल देते हैं गरम मसाला, लगभग आधी चम्मच गरम मसाला हमने डाल दिया, मिक्स कर देते हैं और इसमें मैं डालूंगी पानी। जी हाँ, थोड़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए, बहुत लोगों को ग्रेवी नहीं पसंद है, तो आप इसी तरह से इंजॉय करें। रेडी है हमारा मटर पनीर, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करें। और किस तरह से अच्छे से इसमें तेल छू चुका, तो इतने तेल छूने तक आपको यहाँ पर कुक करना है। तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया हमने, चाय वाली कप से एक कप हमने पानी इसमें ऐड कर दिया। गैस का फ्लेम कर देंगे लो और लो फ्लेम पे अच्छे से इसे हम ग्रेवी सूखने तक इसे हम ये कर लेते हैं। तो जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें रखें और उस हिसाब से गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर देंगे, तो ये तुरंत हो जाती है। तो आप वेट नहीं कीजिएगा, बस इसे हम ढक देते हैं। चलिए इसे ढक देते हैं और ये लीजिए दोस्तों, हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है, बिल्कुल गर्मा गर्म चाय के दार मज़ेदार। इसे एंजॉय करें नान के साथ, फ्राई चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है, है ना, मज़े का लग रहा है। आप इसे सफ़र पे ले जाएं, चाहे पिकनिक पे ले जाएं, चाहे घर में कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, उसमें ले जाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर अच्छी बनी है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक